हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों अपन कर रहे हैं प्रश्न उत्तर फर्स्ट चैप्टर के, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर हैं इसका अपना ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने दो भागों में पहला प्रश्न कर लिया है। पहले प्रश्न में हमने जो कंप्लीट इसके आंसर थे, छोटे छोटे जो ये यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और अब दूसरा प्रश्न भी हम कर चुके थे, तीसरा प्रश्न हमने कर लिया था, और अभी हम करेंगे चौथा प्रश्न। ये जो चौथा प्रश्न है इसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आइए बच्चों समझते हैं जर्मन एकीकरण को। चौथे प्रश्न को हम करेंगे कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझना है। तो देखो बच्चों, 1814 के वियना कांग्रेस में जर्मनी की पहचान 39 राज्यों के एक लचर संघ के रूप में हुई थी, है ना। एक ढीला ढाला एक संगठन बना था, 39 राज्य जिसमें शामिल थे। इस संगठन की का निर्माण नेपोलियन के द्वारा पहले ही किया जा चुका था। 1848 के मई महीने में फ्रैंकफर्ट संसद में विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने हिस्सा लिया था। आगे क्या लिखना है कि उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान की रचना की थी। उसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का मुखिया कोई राजा होता तो संसद के प्रति जवाबदेह होता। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो प्रशिया के मुख्यमंत्री थे, प्रधान थे उस समय, जर्मन एकीकरण के मुख्य सूत्रधार थे। तो जर्मन एकीकरण का सूत्रधार कौन था? बिस्मार्क। इस काम के लिए उन्होंने प्रशिया की सेना और अफसरशाही की मदद ली। उसके बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 7 साल के भीतर 3 लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, देशों के नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में 7 साल के भीतर 3 युद्ध हुए। उन युद्धों की परिणति हुई प्रशिया की जीत में। तो इससे क्या हुआ कि प्रशिया जीत गया, प्रशिया की जीत के रूप में। और उसके बाद में इस जीत से जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया को संपूर्ण किया। तो ऐसे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। 1871 के जनवरी महीने में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का शहंशाह घोषित किया गया। तो बच्चों ये है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, पांचवा जो प्रश्न है वो ये है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे। तो इसके शासन का जो क्षेत्र था उसमें वो प्रशासन को और ज़्यादा कुशल बनाना चाहता था नेपोलियन, तो इसने क्या जो है वो उसने उसे बदलाव क्या किए ताकि अपने प्रशासन को ज़्यादा एक्सपर्ट बना सके, कुशल बना सके। तो देखो कि शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने कई बदलाव किए थे, वो इस तरीके से हैं। 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड लागू किया जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। तो एक बदलाव तो बच्चों इसने ये किया था, ठीक है, ये जो सिविल कोड था जिसे अपन नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं, तो एक तो इसने ये किया था। अब ये जो सिविल कोड था इसमें क्या था कि इस सिविल कोड से जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जन्म के आधार पर कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इसमें क्या किया, हर नागरिक को समान दर्जा मिला और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया गया। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। पहले जन्म के आधार पर कुछ विशेषाधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया गया। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में दूसरा सुधार किया था बच्चों, प्रशासनिक सुधार को लागू किया था। तो ये था इसका दूसरा सुधार, पहला तो था नेपोलियन कोड, दूसरा था प्रशासनिक सुधार, और फिर इसने क्या किया, तीसरा जो था वो था सामंती व्यवस्था को खत्म किया। ये जो सामंत प्रथा थी उसको खत्म किया। इससे क्या हुआ, किसानों को दासता और जागीर को दिए जाने वाले शुल्कों से मुक्ति मिल गई। किसान जो अपनी कड़ी मेहनत की सारी जो कमाई होती थी वो उनको सामंतों को दे देते थे, तो इससे छूट मिल गई, तो किसानों को जो फायदा हो गया। शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त कर दिया गया, तो शहरों के जो लोग थे वो भी नेपोलियन के पक्ष में हो गए। तो ये इसका चौथा सुधार था, ठीक है। और फिर उसने क्या किया कि यातायात
और संचार के साधनों में सुधार किए। तो इस तरीके से ये इसने पांचवा सुधार था। तो ऐसे इसने खूब सारे सुधार किए थे अपने प्रशासन को कुशल बनाने के लिए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा कि नेपोलियन ने अपने प्रशासन को जो है वो कुशल, ज़्यादा कुशल बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की चीज़ें करी थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे छठा प्रश्न है बच्चों। छठा प्रश्न ये है कि उदारवादियों की 1948 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया था। तो इस इतनी विभिन्न प्रकार के जो इनके विचार थे इनके बारे में बताना है, और साथ ही साथ ये बताना है कि उदारवादियों ने 1848 की क्रांति का अर्थ कैसे लगाया। तो देखो, लिखेंगे उत्तर कि 19वीं सदी के शुरुआती दौर में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पर उदारवाद का गहरा प्रभाव जो है वो दिखाई दिया था। उदारवाद का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, उदारवाद, ज़्यादा कठोरता नहीं। एक नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी समानता। नियमों को उदार किया गया और इसमें क्या करना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया गया और साथ ही साथ कानून के समक्ष सबको समान अधिकार दिए गए। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको समान अधिकार दिए गए। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से, क्योंकि हमें राजनीतिक और सामाजिक विचारों को देखना है, फिर आर्थिक विचारों को देखना है। तो अगर हम देखें राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, अगर हम देखें तो उदारवाद का राजनीतिक दृष्टिकोण था आम सहमति से सरकार चलाना। सरकार, क्योंकि राजनीतिक चीज़ें क्या होती है, शासन करना, तो सरकार कैसे चलेगी, आम सहमति से। किसी कुछ ग्रुप, किसी संगठन का, किसी ग्रुप का, किसी व्यक्ति का केवल वहाँ पे जो है वो दृष्टिकोण नहीं रहेगा। तो आम सहमति से सरकार बनाना। फिर क्या था कि यह तानाशाही के अंत और पादरियों को मिलने वाले विशेषाधिकार की समाप्ति का पक्षधर था। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो राजा लोग होते थे उनकी तानाशाही चलती थी, पादरी थे उनका प्रभुत्व था, वो जैसा कहते थे वैसा शासन होता था। तो इनको जो है वो क्या कर दिया कि इनको जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त हो गए। एक संविधान और प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार की जरूरत भी महसूस की गई। उदारवादियों ने निजी संपत्ति के अधिकार की भी वकालत की। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो राजनीतिक सुधार हुए तो इसमें ये कहा गया कि भाई निजी संपत्ति भी व्यक्ति रख सकता है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो व्यक्ति ज़्यादा कमाएगा तो वो अपनी संपत्ति रख सकता है। ठीक है, तो ये तो है राजनीतिक इनके जो है वो चीज़ें हो गई। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे हम, इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक दृष्टिकोण। ठीक है, राजनीतिक सामाजिक के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे आर्थिक दृष्टिकोण। तो देखो, आर्थिक दृष्टिकोण में क्या होता था कि आर्थिक उदारवाद नेपोलियन कोड की कई विशेषताओं में से एक था। नेपोलियन कोड में क्या हुआ था कि जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया, कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार दिया गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया गया। तो यहाँ पर एक बात यह भी थी आर्थिक उदारवाद, इसमें क्या था कि जो मध्यम वर्ग था, नवोदित मध्यम वर्ग, मतलब अभी अभी एक नया जो मध्यम वर्ग उत्पन्न हुआ था, मध्यम वर्ग भी आर्थिक उदारवाद के पक्षधर थे। कई तरह की मुद्राएं, माप तोल के कई मानक और ट्रेड बैरियर आर्थिक गतिविधियों में रोड़े अटका रहे थे। तो विभिन्न ऐसी चीज़ें जो आर्थिक विकास में या धन इकट्ठा करने में, संपत्ति अर्जित करने में, संपत्ति को अपने पास रखने में जो चीज़ें बाधक थी, उन चीज़ों को हटा दिया गया। ठीक है, जैसे कि मुद्राओं से रिलेटेड कोई चीज़ है, माप तोल के कई प्रकार के मानक थे, व्यापार के जो विभिन्न जो बाधक तत्व थे, ट्रेड बैरियर्स, उनको जो है वो हटा दिया गया। नया व्यवसायी वर्ग एक ऐसे एकीकृत आर्थिक इलाके की मांग कर रहा था जिससे माल, लोग और पूंजी का प्रवाह निर्बाध रूप से चलता रहे, कोई रुकावट नहीं हो उसमें, किसी प्रकार की उसमें बाधा नहीं हो, लोगों को आज़ादी मिले, लोगों को थोड़ी सरलता मिले। तो इस प्रकार की जो है वो चीज़ें हुई थी आर्थिक दृष्टिकोण में हम देखते हैं, आर्थिक सुधारों में हम देखते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा राजनीतिक, सामाजिक और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण जिस पर उदारवादियों का प्रभाव था।
ठीक है बच्चों, तो ये हमने किए हैं दो प्रश्न, इसमें हमने तीन प्रश्न कर लिए और बाकी जो हमारे बचे हुए प्रश्न हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। लेकिन अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं बच्चों तो पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो भी मिलेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है क्लास टेंथ की सामाजिक विज्ञान और साथ ही साथ हिंदी इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज, तो वहां से भी आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।